हेलो फ्रेंड, मैं हूं निक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो 11th मैच होने वाला है यूएसए वर्सेस पाकिस्तान के बीच, इसके ड्रीम 11 टीम के बारे में। सो फ्रेंड, इस वीडियो में ड्रीम 11 टीम तो देखेंगे ही देखेंगे, उससे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये मैच होने वाला है डल्लास में, और डल्लास का अगर पिच का बात किया है तो यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच रहता है और मोस्टली यहाँ पे फास्ट बॉलर को ज्यादा विकेट मिलता है। सो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ड्रीम 11 टीम तैयार किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में। तो विकेट कीपर में देखिए, आपको मोहम्मद रिजवान यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोहम्मद रिजवान इस मैच में आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे देंगे, और हाल के दिनों में अगर इनका फॉर्म भी देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है। पिछले 4 मैच में इन्होंने 2 हाफ सेंचुरी बनाया हुआ, जहाँ पे एक मैच में इन्होंने 75 रन बनाया हुआ है, एक मैच में इन्होंने 56 रन बनाया हुआ है। सो अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे रिजवान को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। एम पटेल का बात किया है तो ये उतने कुछ खास फॉर्म में चल नहीं रहे। पिछले मैच में भी एम पटेल उतना कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाए, सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए। सो एम पटेल को छोड़ दीजिएगा, यहाँ से ए गाउस को ले लीजिएगा। ए गाउस बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अभी जो पिछला मैच इन्होंने खेला था, उस मैच में इन्होंने 65 रनों की बहुत ही जबरदस्त पारी खेली। सो ए गाउस को ले लीजिएगा, ए गाउस इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो विकेट कीपर में आप सिर्फ 2 विकेट कीपर को लीजिए, मोहम्मद रिजवान और यहाँ से ए गाउस। बाकी आजम खान को छोड़ दीजिएगा, आजम खान बिल्कुल भी फॉर्म में हाल के दिनों में रहे नहीं है, लगातार फ्लॉप हो रहे, किसी भी मैच में इनके बल्ले से रन निकल नहीं रहा है। सो आजम खान को छोड़ दीजिएगा, उस्मान खान का खेलने का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है, सो इन्हें भी छोड़ दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं यहाँ से बैटिंग के बारे में। तो बैटिंग में यहाँ से बाबर आजम को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। बाबर आजम बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे, लगातार हर मैच में ही रन बना रहे। अगर इनका पिछला 3 मैच देखा जाए तो इन्होंने एक मैच में, अभी जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहां पे 36 रन बनाया था। उससे पहले वाले मैच में इन्होंने 32 बनाया था, उससे पहले वाले मैच में इन्होंने 75 रन बनाया था। सो अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे, बाबर आजम को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे भी बाबर आजम फेमस है कमजोर टीमों के अगेंस्ट बड़ी पारी खेलने में। सो हो सकता है इस मैच में बाबर आजम के बल्ले से हमें बड़ी पारी देखने को मिल जाए। वैसे प्लेयर तो बाबर आजम बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी टीम के अगेंस्ट रन बना लेते हैं, लेकिन हाँ, जो कमजोर टीम होती है मेनली, उनके अगेंस्ट हमेशा ही रन बनाते हैं, उनके अगेंस्ट कभी भी ये फ्लॉप नहीं होते हैं। सो बाबर आजम को रख लीजिएगा, बाबर आजम इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके अलावा ए जोन्स को रख लीजिए, ए जोन्स पिछले मैच के स्टार प्लेयर रहे थे। ए जोन्स ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए 94 रन बनाया था और अपने टीम को विनर भी बनाया था। ए जोन्स बहुत अच्छे प्लेयर है, इन्हें आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। फखर जमान ने हाल के दिनों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया हुआ, पिछले 4 मैच में देखा जाए तो इन्होंने 2 बड़ी पारी खेली हुई है, जहां पे एक मैच में इन्होंने 78 रन बनाया हुआ और एक मैच में इन्होंने 45 रन बनाया हुआ है। सो फखर जमान को ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। एन रोइनिक को छोड़ दीजिए, ये उतने कुछ खास प्लेयर नहीं है। एस आयुब को भी छोड़ सकते हैं, ये भी उतने कुछ खास फॉर्म में नहीं चल रहे। एम कुमार नहीं खेलेंगे, एस जहांगीर नहीं खेलेंगे, जी सिंह नहीं खेलेंगे। आइए अब बात करते हैं ऑलराउंडर के बारे में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है और अभी तक यार आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से फ्रेंड हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो जरूर कर दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंडर के बारे में। तो ऑलराउंडर में यहाँ से कोरी एंडरसन को ले लीजिएगा, कोरी एंडरसन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग भी करते हैं प्लस बॉलिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। पहले ये न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेला करते थे, जहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट टी20 सेंचुरी बनाया था। उस वक्त ये बहुत फेमस हुए थे, जिस वजह से इनको आईपीएल में भी खेलने का मौका मिला था। मुंबई इंडियंस टीम की तरफ से इन्होंने खेला था, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस आईपीएल में कर नहीं पाए, जिस वजह से इनको ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद ये न्यूजीलैंड टीम की तरफ से भी ड्रॉप हो गया, उसके बाद ज्यादा मौका मिला नहीं तो ये यूएसए आ गए, और यूएसए में फिलहाल अभी यूएसए टीम की तरफ से खेल रहे हैं और अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने 3 ओवर बॉलिंग करते हुए 1 विकेट निकाला था, और प्लस कोरी एंडरसन बैटिंग भी कर लेते हैं। सो कोरी एंडरसन को ले लीजिएगा। इनके अलावा सदाब खान का देखिए, हाल के दिनों का फॉर्म वैसे उतना कुछ खास तो नहीं चल रहा, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं यूएसए जैसे टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस ये कर सकते हैं, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो। सो सदाब खान को रख लीजिएगा। एश टेलर यूएसए टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है,
बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। भले ही पिछला मैच उतना कुछ खास नहीं रहा हो, लेकिन प्लेयर बहुत जबरदस्त है। बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। सुरेश टेलर को रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। एस वैन को छोड़ सकते हैं, उतने कुछ खास प्लेयर नहीं है। इफ्तिकार अहमद भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही है, भी छोड़ दीजिएगा। एन पटेल नहीं खेलेंगे और इमाद वसीम अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए, सो इमाद वसीम को भी छोड़ दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं बॉलिंग में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में अभी जो मैं आपको ड्रीम 11 टीम दे रहा हूं, अगर बाय चांस टॉस के बाद इस टीम में अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने का जरूरत पड़े, तो मैं जो भी चेंजेस करूंगा सबसे पहले मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बताऊंगा। सो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखा भी देता हूं ताकि आपको ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आप देख लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और आपको यही पे ज्वाइन होना है। यहाँ पे हर चीज आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। यहाँ पे टॉस के बाद जितने भी अपडेट्स आते हैं सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे टॉस से रिलेटेड अपडेट हो गया, पिच रिपोर्ट हो गया, वेदर रिपोर्ट हो गया, इसके अलावा दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11 हो गया, प्लेयर्स स्टैट्स हो गया, मतलब जो भी चीज टॉस के बाद आता है सारे चीज मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा जिस मैच का भी मैं वीडियो बनाता हूँ वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ मैच खत्म होने के बाद जो भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस रहती है उस टीम का स्क्रीनशॉट लेकर भी मैं शेयर कर देता हूं। जैसे आप देख सकते हो नेपाल और नीदरलैंड वाले मैच में ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही थी। इसके अलावा और भी मैंने टीम यहाँ पे शेयर की, जैसे ये आप देख लीजिए, ये है युगांडा और पीएनजी वाले मैच में ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही थी। सो यहाँ पे विनिंग मतलब मैच खत्म होने के बाद टीम का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूं। और हर चीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री है, लगभग 14,500 लोग अब तक ज्वाइन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो। सो आपको भी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। निक मेहरा प्रेडिक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे 14,500 सब्सक्राइबर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ से बॉलिंग के बारे में। तो बॉलिंग में शाहीन अफरीदी को जरूर अपने टीम में रखिएगा, शाहीन अफरीदी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाल के दिनों में इनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, अगर पिछला 4 मैच देखा जाए इनका तो इन्होंने 3 बार लगातार 3-3 विकेट लिया हुआ है, यानी कि 4 मैच में 9 विकेट निकाल चुके हैं। बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे, इस वक्त सबसे बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान टीम के। सो शाहीन अफरीदी को ले लीजिएगा। नसीम शाह का खेलने का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है, सो नसीम शाह को छोड़ दीजिएगा। एच सिंह उतने कुछ खास प्लेयर नहीं है, इनको भी छोड़ दीजिएगा। नेत्रा वलकर भी उतने कुछ खास फॉर्म में नहीं चल रहे, इनको भी छोड़ दीजिएगा। हैरिस रॉफ को ले लीजिएगा, अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट 2 मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट 2 मैच में इन्होंने 5 विकेट निकाला था और अपने आखिरी मैच में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। हैरिस रॉफ को भी ले लीजिएगा। इनके अलावा मोहम्मद आमिर, देखिए बॉलिंग तो ठीक ठाक कर रहे हैं लेकिन आजकल विकेट इनको उतना ज्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन आप उम्मीद इस मैच में कर सकते हो, यूएसए टीम के अगेंस्ट विकेट निकाल सकते, क्योंकि यूएसए का बैटिंग अगर देखा जाए तो अगर 2-3 प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो उतना कुछ खास बैटिंग है नहीं यूएसए के पास। सो अच्छा खासा विकेट इस मैच में मोहम्मद आमिर को भी मिल सकता है, सो आमिर को भी आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा। बाकी उतने कुछ खास प्लेयर यहाँ पे है नहीं जिनको आपको अपनी टीम में लेना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। कैप्टन के लिए देखिए मुझे बाबर आजम सबसे बेस्ट लग रहे, क्योंकि पिछले तीन चार मैच से लगातार बड़ी पारी खेल रहे हैं और यूएसए जैसे टीम के अगेंस्ट मुझे लगता है कि कंफर्म ये बड़ी पारी खेलने वाले हैं। सो बाबर आजम को कैप्टन बना दीजिए और वाइस कैप्टन शाहीन अफरीदी को बना दीजिए। शाहीन अफरीदी भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और हर मैच में कम से कम 3 विकेट आराम से ले रहे हैं। सो शाहीन अफरीदी वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट होंगे और कैप्टन के लिए बाबर आजम। बाकी इन दोनों के अलावा अगर आप किसी और को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको कुछ ऑप्शन बता देता हूं जिनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से रिजवान को ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है, इन्होंने भी हाल के दिनों में बहुत रन बनाया हुआ है, प्लस विकेट कीपिंग में भी आपको अच्छा खासा पॉइंट ये दे सकते हैं। सो मोहम्मद रिजवान को आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं। हैरिस रॉफ को आप ट्राई कर सकते हैं, हैरिस रॉफ भी बहुत अच्छे प्लेयर है, पिछले 2 मैच में 5 विकेट निकाल चुके हैं, वो भी इंग्लैंड जैसे टीम के अगेंस्ट, सो सोचिए यूएसए टीम का क्या हाल करेंगे। सो
हैरी श्रॉफ को आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं, मोहम्मद आमिर को आप ट्राई कर सकते हैं, स्विंग बॉलिंग के सौदागर माने जाते हैं, बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद आमिर मुझे लग रहा है इस मैच में 3-4 विकेट भी ले सकता है। अभी तक देखिए जब से मतलब रिटायरमेंट के बाद इन्होंने वापसी किया, इनका बेस्ट आना बाकी है और मुझे लगता है इस मैच में ही इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएसए में जो पिच बना हुआ है ये स्विंग बॉलर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अब तक जैसा देखने को मिला है। आमिर कमाल का बॉलिंग इस मैच में कर सकते हैं। और इनके अलावा एक और प्लेयर है ए जोन्स, खतरनाक प्लेयर है, बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। पिछले मैच में ए जोन्स ने 94 रनों की बहुत अच्छी पारी खेली। ये चार प्लेयर भी इस मैच में मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और मुझे लग रहा है ये चारों ही इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो इन चारों में से भी किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, ये दो मुझे सबसे बेस्ट लग रहे हैं। फिलहाल के लिए यही दोनों हमारे टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे और फिलहाल के लिए यही हमारी फाइनल ड्रीम 11 टीम रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये टीम आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम हो, जहाँ शेयर करना चाहे वहाँ पे आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसके कमेंट को मैं लाइक भी दूंगा, हर्ट भी दूंगा, पिन भी कर दूंगा। इसके अलावा उसके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, निश्चिंत होकर ज्वाइन होइए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।